किसान आत्महत्या इसलिए करता है क्योंकि जो है वो किसान की जमीन गिरवी रखते हैं ये बैंक बाबू। किसान जब खेती के लिए लोन मांगता है तो उसे लोन देते हैं। मान लीजिए उदाहरण के तौर पे किसान ने 5 लाख का ऋण मांगा अपनी खेती को आगे बढ़ाने के लिए, बैंक ने उसे ऋण दिया पर 5 लाख की जगह 3 लाख, क्योंकि 2 लाख तो बैंक बाबू भ्रष्टाचार की अपनी डकार ले गए यानी कि घूस खा गए। अब किसान को क्या मिला? 3 लाख। खेती करने के लिए मांगा 5 लाख, मिला 3 लाख। जमीन गिरवी रखी 100 अलग, अब उसे ब्याज कितने पे देना है? 3 लाख पे नहीं देना है मेरे प्यारे देशवासियों, उन्हें ब्याज देना है 5 लाख पे। चूंकि 5 लाख का असल और 5 लाख पे लगा हुआ ब्याज वो 3 लाख से व्यापार करके नहीं दे सकता है, और जब वो नहीं दे सकता है तो जब उसकी जमीन छिनने का डर उसे आ जाता है, ऋण नहीं चुका पाता है, तो बैंक बाबू भ्रष्टाचार की अपनी दूसरी चाणक्य नीति के अनुसार अपना दिमाग चला के उसको एक नोटिस देते हैं, और नोटिस के बाद उसकी जमीन जो उसने गिरवी रखी है वो भी हथिया लेते हैं। किसान के पास जब जीने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो वो क्या करेगा? वो आत्महत्या कर लेगा। इस आत्महत्या का कारण सिर्फ ये भ्रष्ट बैंक बाबू हैं, और इनको संरक्षित करती हैं वो सभी सरकारी संस्थाएं जो कि शासन सत्ता में मजबूती से धमक के साथ जमी होती हैं, क्योंकि वो सब सहयोगी इनका बंदरबांट का पैसा खा जाते हैं मिलके। मैं इन किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए एक मजबूत पहल लाया हूं, और मैं चाहता हूं, बातें सब करते हैं लेकिन काम कोई नहीं करता आर्थिक विकास के लिए, किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए। मैं आ गया हूं आपके बीच में जागरूकता की वो मशाल लेके।